पटना के यातायात के समस्या से हम सब लेकिन अपनी समस्या को मोबाइल नीचे करो भाई। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? जो दिघा से सोनपुर के बीच में पुल है, ये रेलवे ने निर्मित किया था उसके ऊपर से सड़क परिवहन प्रारंभ किया था। रेलवे ने स्पष्ट रूप से लिख कर दे दिया है कि इस पर बड़े वाहनों का 16 चक्का 18 चक्का के वाहनों का यदि संचालन होता रहा तो निश्चित रूप से रेलवे के पुल पर एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। रेलवे ने लिखित रूप से बिहार सरकार को दे दिया। मैं नहीं जानता हूँ कि किन परिस्थितियों में इस पुल पर बड़े ट्रकों का संचालन प्रारंभ किया गया है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि वैसे भी पूर्व में उस पथ पर दरारें आ गई थी और मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला दिघा पुल जो है ये बहुत दिनों तक इस स्थिति में चल सकता है। दुर्घटना के लिए यदि होगा तो पूरी तौर से वो अधिकारी जिम्मेवार होंगे जिन्होंने इस निर्देश को जारी किया है, जो बिल्कुल गलत है, तकनीकी रूप से गलत है, प्रशासनिक रूप से गलत है। और आज पूरे उत्तर बिहार की जनता जो इस पथ पर इसका लाभ उठा रही थी वो अत्यंत पीड़ा में है, परेशान है। सोनपुर की जनता परेशान है और मुझे लगता है कि सरकार को और विशेषकर उन अधिकारियों ने जिन्होंने यह निर्णय लिया है इस दिघा सोनपुर पुल के ऊपर संचालन करवाने का, उस पर अविलंब रोक लगाना। 56 पर चली आई और इसके बाद भी शायद इन नेताओं को और विशेष करके राहुल जी को जो कभी कभी 2500 कहते हैं, उन्होंने फिर एक ऐसे शब्द का उपयोग किया है और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता होकर के भारत के ऊपर ये टिप्पणी करना, रेप इन इंडिया इज मेक इन इंडिया और इस प्रकार का तुलनात्मक शब्द उपयोग करना, मुझे दिखाता है कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का पूरा हरास है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए था। सदन समाप्त हो गया, एडजर्न हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का गिरावट के कई कारणों में से ये प्रमुख कारण है जो उनके नेताओं का बर्ताव है, विशेष करके राहुल जी का, दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं। मोदी जी आज का बयान क्योंकि ये है राहुल गांधी का कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है जब मैं माफ़ी मांगूंगा, मेरा नाम राहुल गांधी और है। उन्हें देश के इतिहास से कोई बहुत लेना देना नहीं, क्योंकि खानदान की राजनीति में आज तक 70 वर्षों में उन्होंने अपने नाम पर देश का शासन किया है, परिवारवाद के नाम पर। परिस्थितियां बदल गई हैं, उन्हें तो कल सरदार पटेल भी नहीं दिखेंगे, वीर सावरकर भी नहीं देखेंगे, हो सकता है कल के दिनों में महात्मा गांधी का भी परिभाषा और महात्मा गांधी भी भारत में राष्ट्रपिता थे शायद ये भी भूल जाए, क्योंकि परिवार की संपत्ति की तरह देश की राजनीति पर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है ऐसे शब्दों का उपयोग। सीएबी को लेकर जेडीयू में बिहार जेडीयू में कुछ अनबन चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये बात सही है जो जिस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। समाचार को मैंने भी पढ़ा है, जेडीयू में कोई इस बात पर विवाद नहीं है।